महंगाई भत्ते की फिर से बहाली और कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर 48वीं जेसीए मीटिंग के बारे में कार्मिक विभाग का ताज़ा आदेश। लंबे समय से महंगाई भत्ते की बहाली और 3 बकाया किस्तों का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। कार्मिक विभाग ने 9 जून 2021 को एक आदेश जारी किया है और आदेश में कहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की विभिन्न लंबित मांगों के बारे में चर्चा करने के लिए 48वीं जेसीएम मीटिंग 26 जून 2021 को सुबह 10:30 बजे की जाएगी। इसके अलावा 23 जून 2021 को सुबह 11 बजे EIRF और NFIR के पदाधिकारियों और DC JCM के बीच भी एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें भी कर्मचारियों की लंबित मांगों के साथ में अन्य ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 2 मीटिंगें यहां पर की जा रही है। पहली मीटिंग होने जा रही है 23 जून 2021 को और उसके बाद में फाइनल मीटिंग JCM के साथ में होने जा रही है 26 जून 2021 को, और उसमें ये पता लग जाएगा कि कर्मचारियों को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता मिलने वाला है या फिर कर्मचारियों और पेंशनर्स को और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए।